चलो अब चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत हम लोग करेंगे। चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा है। बोर्ड की एग्जाम में इस चैप्टर से एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 5 एमसीक्यू आएंगे। 4 नंबर में जो एक प्रश्न पूछा जाएगा वो सवाल ही पूछा जाता है, इस बार भी बोर्ड के एग्जाम में सवाल ही आया था। और 2 नंबर का जो एक प्रश्न पूछा जाएगा वो थियरी होता है, कभी कभी सवाल का चांस है लेकिन थियरी का चांस ज़्यादा है। और 5 एमसीक्यू के प्रश्न छोटे छोटे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और ज़्यादा नंबर का भी चैप्टर है। 4, 2, 6 और 5, 11 नंबर का ये चैप्टर है बोर्ड के एग्जाम में। तो देखना, सबसे पहला प्रश्न यही है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका सूत्र SI मात्रक और बीमा सूत्र। तो देखना, विद्युत धारा आप लोग 10वीं पढ़े थे, किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट में से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब कोई चालक तार है, चालक तार का अनुप्रस्थ काट ये वाला भाग होता है, जैसे चालक तार है इस भाग को अनुप्रस्थ काट कहते हैं। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट में से एकांक समय में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि है, और इसे दर्शाने इसे हम I के द्वारा दर्शाते हैं। अब परिभाषा पर से सूत्र आपका बनेगा, विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय, क्योंकि यहाँ पर एकांक समय है तो जो भौतिक राशि एकांक होती है वो बटे में जाती है। तो विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटे समय, तो I बराबर क्यू बटे टी। यहाँ से I का SI मात्रक बराबर क्यू बटे टी का मात्रक, अब क्यू आवेश का मात्रक कूलाम पर सेकेंड या कूलाम सेकेंड की घात -1। लेकिन महान साइंटिस्ट आंद्रे एम्पियर की स्मृति में इसका SI मात्रक एम्पियर कहा जाता है, जिसको हम A द्वारा दर्शाते हैं। और मूलभूत भौतिक राशियां जो 7 थी उसमें विद्युत धारा भी थी, तो इसका मूल मात्रक आपका एम्पियर था। और बीमा सूत्र A1 होता है, आप लोग जानते थे मूलभूत भौतिक राशियों का बीमा सूत्र, तो I की बीमा बराबर A1 या M0L0T0A1 होगा। अब देखना, नोट का टॉपिक कंसंट्रेशन रखना, यहाँ पर इस पर आधारित सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया कोई एक चालक तार है, चालक तार में AB 2 सिरे हैं, किसी चालक तार के A सिरे से डेल्टा Q आवेश B सिरे तक प्रवाहित होने में डेल्टा T समय ले रहा है। तो देखो लिखा हूँ, माना चालक तार AB में डेल्टा T समय में डेल्टा Q आवेश A से B की ओर प्रवाहित हो रहा है, तब परिभाषा पर से विद्युत धारा I बराबर प्रवाहित आवेश बटे समय, तो प्रवाहित आवेश डेल्टा Q बटे समय अंतराल डेल्टा T। यदि डेल्टा T टेंस टू 0 हो तो यहाँ लिमिट लग जाएगा, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 डेल्टा Q बटे डेल्टा T, या इसी को लिख सकते हैं dQ बटे dt। अगर यहाँ से हमको आवेश निकालना है तो dQ बराबर I dt, अब समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dQ बराबर इंटीग्रेशन I dt, या dQ का Q हो जाएगा बराबर इंटीग्रेशन I dt। तब इस सूत्र की सहायता से अगर विद्युत धारा का मान समय के फलन के रूप में दिया गया हो और प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश पूछे, तो इस सूत्र की सहायता से सवाल हल किया जाता है। और अक्सर 1 नंबर 2 नंबर में MCQ में पूछा जाता है, जैसे सवाल है यहाँ पर देखना, किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर 4t+3 4t+3 एम्पियर है, तो प्रथम 10 सेकेंड में प्रवाहित विद्युत आवेश हमको ज्ञात करना है। यहाँ I बराबर 4t+3 लिख दिया। अब यहाँ पर I बराबर dQ बटे dt होता है, अभी पढ़े, तो dQ बराबर I dt, I का मान 4t+3 dt, अब समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन dQ बराबर इंटीग्रेशन 4t+3 dt। अब यहां पर क्या लिखा है, प्रथम 10 सेकंड, तो प्रथम 10 सेकंड का मतलब 0 से 10, अगर प्रथम 5 सेकंड होता 0 से 5, प्रथम 8 सेकंड होता 0 से 8, तो यहां पर प्रथम 10 सेकंड है इसलिए लिमिट 0 से 10। अब यहाँ dQ का Q हो जाएगा, अब यहाँ देखना 4 कांस्टेंट संख्या लिख लिया, अब T का क्या होगा, T²/2, यहाँ पर देखना लिमिट 0 से 10, फिर प्लस का प्लस लिख दिया 3 लिख दिया, अब यहाँ पर T तो है नहीं, यहाँ 3 dt आएगा, तो dt का क्या होता है, T होता है, तो वही 3 देखो बाहर लिख दिया, फिर dt का T लिख दिया और लिमिट 0 से 10। अब यहाँ पर देखना 4 लिख दिया, अपर लिमिट 10^2 माइनस लोअर लिमिट 0^2, फिर प्लस का 3, अपर लिमिट 10 माइनस लोअर लिमिट आपका 0। यहाँ पर देखना 10^100 और यहाँ पर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 आएगा, 10 × 3 = 30 हो जाएगा। अब ये देखना अंदर 50 बचा, 50 × 4 तो 5 × 24 = 200 और +30 = 230 कूलम, अर्थात प्रथम 10 सेकंड में प्रवाहित होने वाला कुल विद्युत आवेश इस चालक तार में कितना है, 230 कूलम है। अब इसी मेथड का एक दूसरा सवाल है, किसी चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I बराबर 60 − 2 एम्पियर है, तो T बराबर 2 सेकंड से T बराबर 4 सेकंड में, मतलब यहाँ प्रथम चर्चा नहीं है, 2 सेकंड से 4 सेकंड में, मतलब इस समय अंतराल में 2 से 4 के बीच का जो समय अंतराल है, में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश हमको ज्ञात करना है। तो I बराबर 60 − 2 लिख दिया, अब T बराबर 2 से T बराबर 4 पर हमको निकालना है, तो यहाँ से I बराबर dQ बटे dt, तो यहाँ से देखना dQ बराबर I dt आ जाएगा, अब I का मान 60 − 2 dt,
समाकलन करने पर इंटीग्रेशन डी क्यू, देख रहे इंटीग्रेशन डी क्यू बराबर यहाँ इंटीग्रेशन 60 माइनस 2, और लिमिट क्या हो जाएगा 2 से 4। यहाँ देखो साफ साफ लिखा है, अगर यही लिखा होता प्रथम 4 सेकंड तब 0 से 4 लिमिट होता, प्रथम 9 सेकंड 0 से 9 होता, लेकिन यहाँ 2 से 4 लिखा है लिमिट 2 से 4 अपने लगा देंगे। अब यहां पर देखना ये 6 बाहर लिख लिया, अब t का समाकलन क्या होगा t² / 2, अब लिमिट 4 और 2 मतलब लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर, फिर -2 है -2 लिख दिया, अब यहां dt आएगा dt का t हो जाएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट 4 और 2, अब यहां 6 बाहर लिख दिया, अपर लिमिट t के स्थान पे 4 रखेंगे 4 का वर्ग / 2 माइनस, अब t के स्थान पे 2 रखेंगे 2 का वर्ग / 2, फिर माइनस का 2 लिख दिया, अपर लिमिट 4 माइनस लोअर लिमिट आपका 2, अब यहाँ 6 का 6 लिख दिया, 4 का वर्ग 16 का आधा 8, यहाँ 2 का वर्ग 4 का आधा 2, फिर -2 और 4 में से 2 घटेगा 2 आएगा, यहाँ घटाएंगे 8 में से 2 गया 6, 6 × 6 = 36, -2 × 4 तो 36 में से 4 गया 32 कूलम। इसका मतलब इस चालक तार में t = 2 सेकंड से t = 4 सेकंड में प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना है 32 कूलम। अब इसी मेथड पर देखना, मैं सवाल दिया हूं, आई का मान 5t + 2 है प्रथम 5 सेकंड, मतलब यहाँ लिमिट लेंगे 0 से 5, फिर i = 3t - 4, t = 2 सेकंड से t = 3 सेकंड पर, मतलब 2 से 3 लिमिट 2 से 3 होगी, और यहाँ i = 3t² - 2t + 5 और t = 0 से t = 2 सेकंड पर, मतलब लिमिट यहाँ 0 से 2 लिया जाएगा। तो इन तीन सवालों की, इस मेथड के सवालों की प्रैक्टिस करना, ओके।